हमारी ये धरती भगवान से मिला एक तोहफा है, एक सुंदर सा जहां इस प्रकृति के बीच में करोड़ों लाखों प्रकार के भिन्न भिन्न रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं, लाइन में लगे हुए पहाड़ हैं, हर एक रंग के पक्षी हैं, अलग अलग तरह के जल के प्राणी हैं, और तो और इस धरती पर अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी रहते हैं। इतने सुंदर और अद्भुत प्रकृति में इंसान भी जीता है। सारे प्राणी और पक्षी अपने पेट के लिए, खाने के लिए लड़ाई करते हैं, तो वहीं इंसान औरत के लिए, पैसों के लिए और जमीन के लिए और तो और अधिकार के लिए जीता है। ये सारी चीजें इंसान को स्वार्थी बनाती हैं और इंसान को बस यही चाहिए। इसकी वजह से इंसान इंसानों के साथ ही झगड़ा करने लगता है। ऐसे झगड़े अलग अलग जातियों के साथ और अलग अलग देशों के साथ होते हैं। मनुष्य के इस झगड़े में जिसकी कोई गलती नहीं है, उन बेचारे प्राणियों और पक्षियों की बलि पड़ जाती है, पूरी प्रकृति का सर्वनाश हो जाता है। इंसान घर में भी झगड़ा करता है और जंगल में भी झगड़ा करता है, और इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए। देख लेते हैं इस दल का नायक तू बनेगा या मैं बनूंगा। तुझे लगता है इस दल में तू ही बलशाली है, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा जंगल का राजा। इस जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन वो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सपना मत देख, हमेशा इस दल का नायक मैं ही रहूंगा। अगर तूने कुर्सी की आशा रखी तो तू नरक में पहुंच जाएगा। आज हम दोनों के गले में फूलों की माला गिरकर ही रहेगी, लेकिन एक अंतर रहेगा, मैं फूल की माला अपने मुकुट के ऊपर पहनूंगा और तू अपने लाश पर पहनेगा। समझा क्या? आती है क्या? अरे यार क्या करूं अब मैं, ये तो बोल रही है कि जाकर उनके साथ लड़ाई करो।
मैंने तो मजाक में बोला था, ये तो सच्ची में जा रहा है। हम दोनों ऐसे मिलते रहें तो हमारा बच्चा हो सकता है। उस बच्चे की वजह से इस बच्चे की जिसकी आंखें नहीं हैं, उसके प्रति हमारा प्यार कम हो सकता है। इसीलिए हम ना मिलें तो ही अच्छा होगा। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैंने तो अपने छोटे भाई के बारे में भी नहीं सोचा। सच में आज मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि मेरी बीवी मेरे अंधे छोटे भाई की अपने बच्चे की तरह परवरिश करती है। इसका कितना भी एहसान चुकाऊं वो कम होगा।
अपने कबीले वालों की भूख मिटाने के लिए मैं यहाँ मछली लेने आया था, तो तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे मारने आए हुए उस इंसान को माफ करना और शरण में आए हुए इंसान को मारना दोनों भी बहुत गलत हैं, लेकिन तू मेरे शरण में नहीं आया, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। लगता है कोई बलवान दल का आदमी है, इसको जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर मेरी जिंदगी मुझे ही तकलीफ देगी। इसे यहीं खत्म कर दूं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अपने दल वालों को लेकर आएगा और हमें मार देगा। क्या हो गया इन्हें आज? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। लगता है इन्हें अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। मिला होता तो अब तक आ जाते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि बच्चे को भूख बर्दाश्त नहीं है। अब मैं क्या करूं? इनसे खाना मांगूं क्या? लेकिन इन्होंने जो लाया है उससे इनका ही पेट नहीं भरेगा, तो मैं कैसे मांगूं? चलो अच्छा हुआ ये आ गए। मछली चुराने आया था लड़का, और मेरे भाई को मौत की नींद सुला दिया। जब तक तेरी सांसें नहीं छीन लूंगा मैं चैन से सोऊंगा नहीं, नहीं सोऊंगा। तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं मछलियों को खिलाऊंगा, तभी मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, ये मैं वचन देता हूं। Oh
चाचा जी, जिसने भी आपके शरीर को मिट्टी में मिला दिया, हम उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। ये आपके भतीजे की ली हुई शपथ है। ये अंधा होके युद्ध कला में इतना पारंगत है तो इसके बाकी के साथी क्या होंगे? तो क्या इस समय उनके ऊपर हमला करना ठीक होगा? उनके पास भी बहुत हथियार है, पासा उल्टा भी पड़ सकता है, हमारे लोग भी मारे जा सकते हैं। अभी एक काम करता हूँ, इस वक्त यहाँ से चला जाता हूँ, इनके ऊपर रात के समय हमला करूंगा, ये सोए रहेंगे और हम इन्हें मार डालेंगे। कोई तो हमारे दल के करीब आ रहा है, हमें इनसे खतरा है, लगता है सबक सिखाना पड़ेगा इनको, लेकिन अभी क्या करूं? सुबह जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे उनके हाथों मैं नहीं आया, इसलिए अभी रात के अंधेरे में लुका छिपी का खेल खेलने आए हैं। आ जाओ आ जाओ, अभी सबक सिखाता हूं तुम सबको। यही सही समय है। हाँ।
ओहो। अब लोग सो रहे हैं, अब इन पे हमला करते हैं। हम लोग यहाँ हैं, इन्हें कैसे पता चला? ये लोग छिप करके हमारे लोगों को खत्म कर रहे हैं। अगर हम यहीं रुकें तो हमारी जान को बहुत खतरा है। यहां से निकलना ही ठीक रहेगा। मुझे लग रहा है ये बड़े दल वाले लोग हैं। हमारे दल के लिए यही सही मुखिया है, इसने जो भी किया सही किया। अगर हमारे मुखिया ने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी होती तो हम सब मारे गए होते। हमारा नसीब अच्छा है, मुखिया जी के शातिर दिमाग की वजह से आज हम सब बच गए हैं। जैसे बिल्ली अपनी गंदगी को मिट्टी में छिपाती है, उसी तरह हमें भी अपना ठिकाना हमारे शत्रुओं से छिपाना होगा। अगर हम अब भी इसी जगह पर रहेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। हमें यहां से निकल जाना ही ठीक रहेगा। आहा, क्या चाल है इस लड़की की। ब्रह्मा ने बहुत फुर्सत से बनाया है इसे, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत गलत किया। इसे इतना सुंदर बना दिया और मुझे बौना बना दिया। बहुत गलत हुआ मेरे साथ। अरे ब्रह्मा जी, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे बौना बना दिया आपने? आपकी आंखें भी चली जाएं और आपका दिमाग भी सड़ जाए। सूरज तो सर पे आ गया है। अरे इतनी गर्मी। अरे सुनो ना, अरे अब तो मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा और भूख भी बहुत तेज लगी है मुझे। उन लोगों की जो एक कदम है वो मेरे तीन कदम के बराबर होते हैं। सब लोग तो चले जा रहे हैं, मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है। ए कुला, क्या हुआ रे? आ जाना, उठ कर आ जा। क्या हुआ है? अब मैं नहीं चल पाऊंगा, थोड़ी देर यहीं पर आराम करता हूँ।
यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इतनी धूप है यार, सह नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। पानी पिलाकर इन सब की प्यास तो बुझा दी। अभी थोड़ा शिकार करके इन सब के लिए खाना लेके आता हूँ। चलो शिकार करने चल के लिए चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। अरे रुक जाओ आप लोग, मैं भी चलूंगा शिकार पे, मुझे भी साथ में लेकर चलो। सही मौका है इन पर हमला करने का। इनका यहाँ आधा ही दल है, इन्हें आसानी से यहाँ बंदी बना सकते हैं। पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। मारो, अच्छे से मारो। ले चलो। सब लोगों को बहुत भूख लगी है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, आज एक भी शिकार नहीं मिला। और उधर देखो, सारे भूखे पड़े हैं। ऊपर से मेरे भाई को भूख सहन नहीं होती, उस अकेले के लिए तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अरे शिकार तो मिला ही नहीं, अगर मैं वहीं रुकता तो कम से कम उसका चेहरा तो देखता रहता। अरे कहाँ चले गए? देखो कहाँ चले गए? यहीं कहीं होंगे। कहाँ चले गए ये? कुछ तो जरूर हुआ है। नहीं तो थे, कोई तो आकर हमारे लोगों को उठा कर ले गया। कहाँ गए होंगे? ओह अच्छा, उस दिन मैं मछली लाने गया था तब जिस आदमी को मारा था उसी के दल वाले आकर हमारे लोगों को लेकर गए हैं। तुम्हें तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मछली की भी आहट पहचानने वाला मैं, तुम लोगों की आहट और चाल ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अरे हम लोगों में से ये शेर दांत तो किसी ने नहीं पहना। ये शेर का दांत हम लोगों में से किसी का नहीं है, लगता है ये किसी और दल के लोगों का है।
हमारे मुखिया हमें ये शेर का दांत क्यों दिखा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेर के इस दांत को देखने के बाद ऐसा लग रहा है हमारा दल बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है। चलो। क्या करें, हमारे लोग तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे इस तरफ भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं है। क्या हुआ, कोई नजर नहीं आ रहा है? अब क्या करें, चलो मुझे दो। अभी किस तरफ ढूंढूं उन्हें? कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई दिखाई दिया? कोई नहीं है। कहां चले गए? ये लो। चलो आगे जाकर देखते हैं। सब जगह पर देख लिया लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, मेरा छोटा भाई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो सूंघ कर ही इस बात का पता लगा लेता है कि वातावरण अच्छा है या बुरा। अब वो उनके साथ है तो उसने जरूर कोई ना कोई तो सुराग छोड़ा ही होगा। जगत नहीं, लेकिन वो लोग नहीं गए। कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी है क्या? नहीं। कहां गए होंगे? वो वहां पर है। कहां? कहां? चलो चलो सब लोग चलो चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। पानी पानी पीते हैं। अरे ये निशान कैसे? कैसा? ये मेरे छोटे भाई के ही पैरों के निशान हैं। इसका मतलब यह है कि वो हमारे लोगों को इसी दिशा में लेकर गए हैं। हाँ, एक काम करता हूँ, इस मिट्टी में अपने पैर दबा दूंगा तो मेरे पैरों के निशान बन जाएंगे और इसे देखकर मेरा भाई मुझे ढूंढते हुए आ जाएगा। वो यहीं कहीं पर है, आओ चलो। जो सूरज दिन में जलता है किंतु रात को ठंडा हो जाता है, ऐसे सूरज की गर्मी में इनका ये हाल हो गया है। तो जो आग दिन रात मेरे दिल में चल रही है उसका सामना ये कैसे करेंगे? तुम में से हर एक का खून निकाल कर जब तक मैं अपने भाई की समाधि पर नहीं डालूंगा तब तक मेरे दिल की ज्वाला ठंडी नहीं होगी। कौन सा सुराग छोड़ूं? हाँ, मेरे हाथ में जो माला है अगर उसे मैं निकाल कर फेंक दूंगा तो मेरे भाई को रास्ता मिल जाएगा।
भाई की ही मोतियों की माला है। मुझे रास्ता मिले इसलिए उसने ही इसे रास्ते पर फेंका है ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। अरे मेरे भाई को कितना दर्द हुआ होगा जब वो लोग उसे खींच कर लेकर गए होंगे। आंख नहीं रहने वाले लड़के को जब इतनी तकलीफ दिया है तो मेरी वाली के साथ क्या किया होगा उन लोगों ने। उसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अरे बाप रे, और किसी भी लड़की के साथ वो कुछ भी करें लेकिन मेरी वाली के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? अभी इसकी अगर ठिकाने लगाता हूं।
सांस ले लिया। जिसे देख के डर जाती थी, ऐसे भाई को तुम लोगों ने मार डाला। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। अब तुम्हें पता चलेगा जान की कीमत। जान लेना आसान होता है, किंतु जीवन देना बहुत ही मुश्किल। मैं असली शिकारी हूँ। शिकार को पिंजरे में रखकर नहीं मारता, मैदान में छोड़ के शिकार करता। लड़ना पड़ेगा? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरे बीच मत आ, इन्हें मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये कर क्या रहा है? सोए हुए मेरे चाचा जी के शरीर को तुम सबको मार के उनके खून से ही मैं धोऊंगा, तब जाके मेरे चाचा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। तेरी भूख नहीं मिटा पाया, लेकिन आज तेरे शरीर को उनके रक्त से नहला रहा हूँ। ले पी, जितनी इच्छा हो उतना रक्त पी। मैं चाहता हूँ तेरी आत्मा तृप्त हो जाए। जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनके साथ ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या हो गया हमारे मुखिया को? आज ये ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? हमारा मुखिया लड़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग है ना, इसलिए खड़ा है वो। देख लेते हैं मरना है या जीतना। हम्म,
मछली ले जाने पे मेरे चाचा जी ने रोका तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया ना। लेकिन अभी मैं तुम्हारी आँख ऐसे बंद करूँगा जो कभी खुलेगी ही नहीं। एक दुश्मन का खून तेरी समाधि पर डालूंगा। तब तक डालता रहूंगा जब तक तेरी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती और तू स्वर्ग नहीं पहुंच जाता। ले लो। मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मैं अपनी भूख नहीं बर्दाश्त कर सकी। मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। लगता है ये इंसान नहीं है। जानवर की तरह हंस रहा है। हाँ? Mm-hmm.
छोड़ो। इसके शरीर में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, इसकी सारी गर्मी निकाल कर इसे जिंदा लाश बना दूंगा। चल। छे, इसने क्यों उस पर थूका? बेचारे की जान ले लेंगे अब। खून बहुत गर्म है और गाढ़ा भी है। ऐसा गर्म खून मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है। इसका गर्म खून निकाल के अपने भाई की समाधि पर डालूंगा तो उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। अगर मैं ऐसे ही चुप खड़ा रहा तो ये लोग इसकी भी जान ले लेंगे। जीना है तो साथ में जिएंगे, मरना है तो साथ में मरेंगे। रुक जाओ। बकरे को पिंजरे में डालकर शेर पकड़ते हैं, लेकिन हमने उसके बच्चे को ही पिंजरे में डाल के शेर पकड़ लिया। जिस अंधे लड़के को दिखाई नहीं देता उस अंधे को युद्ध कला का ज्ञान सिखाता है। अब मैं तेरे ही आंखों पे पट्टी बांध के तुझे अंधा बना दूंगा और फिर वाण छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ दे। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है। इसका मतलब कुछ तो खतरा जरूर है। Ugh.
भाग रहे हैं वो लोग, उठ 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 जल्दी, उन्हें भाग रहे हैं वो लोग, पकड़ो उन्हें, चलो 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 जल्दी 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 भागो जल्दी, अब हम दोनों से भागा नहीं जा रहा, अरे धीरे धीरे जल्दी चलो चलो मुझे भी साथ में लेकर चलो जल्दी, वो लोग पीछा कर रहे होंगे, चलो अरे जल्दी चलो, जैसे उनके मशाल की रोशनी हमें दिखाई दे रही है वैसे ही हमारे मशाल की रोशनी भी उन्हें नजर आ रही होगी, इसलिए वो लोग बड़ी आसानी से हमारा पीछा कर पा रहे हैं। हम सब एक साथ भागने की बजाय अलग अलग भागेंगे तभी वो अपना रास्ता भटक जाएंगे और उन्हें किस तरफ भागना है इस सोच में पड़ जाएंगे। उस तरफ, तुम लोग उस तरफ जाओ, चलो जल्दी उठो, चलो बेटा जल्दी आओ। ये क्या हो रहा है, अभी ये लोग सीधा भाग रहे थे, अभी आढ़ा टेढ़ा क्यों भाग रहे हैं? भाग लो हमारे जगह पे आके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
इन्हें कैसे पकड़ना है मुझे पता है। देखा है। चलो जल्दी चलो। अब नहीं चल पाऊंगा। इस प्रकृति ने हर एक जानवर को तोहफे के तौर पर कुछ ना कुछ तो दिया है, उसी तरह हम इंसानों को प्रकृति ने सबसे बड़ा हथियार दिया है, बुद्धि। इस बुद्धि का उपयोग करके हमें खुद को बचाना होगा। हम एक काम करते हैं, इस मशाल को हम अभी के अभी बुझा देंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं ये उन्हें पता नहीं चल पाएगा, और जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उनसे बचकर हम सब आसानी से भाग सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। ठीक है। चलो आओ।
तरफ भागेंगे। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि हमने जो वार छोड़ा था वो उसके पैर में लगा था, इसलिए वो यहीं कहीं होंगे। ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। कहाँ छुपे हैं ये लोग? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, यहीं कहीं पर होंगे। कहाँ भाग गए ये लोग? झाड़ियों के पीछे भी नजर नहीं आ रहे हैं। मेरा अनुमान सही निकला, मैंने जो बाण मारा था वो उसके पैर में ही लगा है, ये खून उसका साक्षी है। वो लोग इन्हीं झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। उन लोगों की सांस लेने की आवाज तो यहीं से आ रही है। मुखिया जी, वो लोग इसी झाड़ी के पीछे छुपे हैं। चल चलो, आवाज आई है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पकड़ो इसे। जड़ी बूटी लेके आओ। समझ गया, अभी लाता हूँ। जल्दी। नजर नहीं आ रहे हैं, किधर गए होंगे ये लोग? हम और नहीं भाग पा रहे। अभी क्या करें? देखो ये लोग पीछा कर रहे हैं हमारा, अगर हम उनके हाथ लग गए तो फिर जैसे मगरमच्छ अपने अंडे छुपा कर रखता है, मुझे भी अपनी बीवी और छोटे भाई को छुपाना होगा, इन राक्षसों से बचाना होगा, वरना वो राक्षस इन्हें नहीं छोड़ेंगे। रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है।
उसके साथ तो वो अंधा और लड़की भी थी। कहाँ गए वो दोनों? हाँ, इसने उन्हें कहीं छुपाया होगा और खुद भाग रहा है। मैं अपने कुछ लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए बोलता हूँ। उधर देख, वाह वाह, चल 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 चल। सकते हैं, आसपास कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इतना ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं, आखिर कहां जा सकते हैं ये लोग? यहीं कहीं छुपे होंगे। मेरे हाथ लग गए तो खून कर दूंगा। अंधा है, ऊपर से हमसे लड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे शेर को एक चूहा डरा रहा है। मुझे पता है तुम लोग क्यों हंस रहे हो। जो अंधा है वो तुम्हारा क्या बुरा कर सकता है? अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ। Yeah.
आके मेरे ही आंखों में धूल झोंकना चाहता है। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा? Thank you.
किसी भी प्राणी का अंधेरे में भी शिकार कर सकता हूँ। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? अगर मैंने उस दिन थोड़ा सा संयम रखा होता
और उस आदमी को ना मारा होता तो आज हमारे ये सारे लोग जिंदा होते और हम बहुत हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी जी सकते थे। मैंने उस समय जो पागलपन किया उसकी वजह से आज सब कुछ खोकर मैं अकेला खड़ा हूं। अगर उस दिन वो मछली मैंने उसे दे दी होती तो सिर्फ उस दिन ही भूखा रहता और वो तकलीफ सह लेता, लेकिन अब तो पूरी जिंदगी तकलीफ सहनी पड़ेगी। अब से मैं कभी ऐसे फैसले नहीं लूंगा। अगर मैं यहीं पर रहूंगा तो उनकी यादें मुझे तड़पाएंगी। इससे अच्छा यहां से कहीं दूर चले जाना ही अच्छा है। देख लिया ना आपने, अगर इंसान इंसान की तरह नहीं रहेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये इंसान ऐसा ही होता है, खुद जीता नहीं है और ना दूसरों को जीने देता है। ऐसे स्वार्थ में रहने वाला इंसान अपनी मौत को खुद ही दावत देता है और सब कुछ खोने के बाद सोचता है, छह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। इस धरती पर कल के बारे में सोचने वाला प्राणी जो है तो वो इंसान ही है। इसलिए इंसान की जिंदगी में सुख शांति नहीं रहती, लेकिन कल के बारे में ना सोचने वाले अन्य प्राणी बहुत ही खुश हैं। इंसान को भी अगर खुश रहना है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किए बिना खुद भी जिए और साथ ही साथ दूसरों को भी जीने दे तो सब लोग खुश रहेंगे। वरना एक दिन मनुष्य जो प्राणी है वो धरती पर दिखाई नहीं देगा, है ना? आपको मिला है बर्थ, डोंट मिस यूज इट। लिव लाइफ विद द पीस।